Good morning, dear students. Welcome to online classes. पिछले वीडियो में मैंने आपको एकादशा पाठा, एकादशा पाठ कौन सा इलेवन लेसन इलेवन के सठे साठवें समाचरे चैप्टर को पढ़ाया था। पाठ का नाम क्या है? सठे साठ्यम समाचरे, अर्थ है दुष्ट किसम दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग आशा करती हूँ कि पिछले वीडियो को देख करके अर्थ लिख लिए होंगे। आज मैं आप सभी को बच्चों अभ्यास कार्य करवाऊंगी, तो बुक और कॉपी पास में रखिए और लिखिए। ठीक है बच्चों, मैं करवाने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। आपका है लेकिन एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न है पहला, वाणी पुत्रस्य किं नाम आसीत्। वाणी पुत्रस्य बनिए के पुत्र का क्या नाम था। ठीक है, तो आपका है उत्तर, वाणी पुत्रस्य नाम जीर्णधनु आसीत्। बनिए के पुत्र का नाम जीर्णधन था। फिर से सुन लीजिए, वाणी पुत्रस्य नाम जीर्णधनु आसीत्। ओके, मैं दूसरा क्वेश्चन शुरू करती हूँ। तस्य गृहे पूर्व पुरुष उपार्जिता का आसीत्। उसके घर में किसके लिए कहा जा रहा है? वाणी पुत्र के लिए। ठीक है, बनिए के पुत्र के लिए। तस्य गृहे उसके घर में पूर्व पुरुष पूर्वजों द्वारा, पूर्व पुरुष पुरखों द्वारा पूर्वजों द्वारा उपार्जिता अर्जित की गई का आसीत् क्या थी। ठीक है, का आसीत् क्या थी, तो आपका आंसर है तस्य गृहे उसके घर में, गृहे सप्तमी विभक्ति है, घर में पूर्व पुरुष पुरखों के द्वारा उपार्जिता अर्जित की गई एका एक स्वर्ण तुला आसी, एक सोने की तराजू थी। स्वर्ण तुला किसको कहते हैं बच्चों? सोने की तराजू को आसी थी। अब आप आते हैं थर्ड क्वेश्चन, वाणी पुत्र देशांतरम किमर्थम अगच्छत। बनिए का पुत्र देशांतरम किसको कहते हैं? विदेश जाने को। ठीक है, देशांतरम किमर्थम अगच्छत, किस लिए गया। गम धातु है, अगच्छत पास्ट टेंस हो गया, अगच्छत गया। ठीक है, वाणी पुत्र देशांतरम किमर्थम अगच्छत, बनिए का पुत्र विदेश किस लिए गया। उत्तर है आपका, वाणी पुत्र देशांतरम धनु मार्जनाय अगच्छत। मैं स्थापक भी बताने चाहती हूँ बच्चों, वाणी पुत्र बनिए का पुत्र देशांतरम क्या कहते हैं? विदेश जाने को। धनु उपार्जन है, धन कमाने के लिए, धन प्लस उपार्जन है, धनु उपार्जन है। ठीक है, धन कमाने के लिए अगच्छत गया, बनिए का पुत्र विदेश धन कमाने के लिए गया। ठीक है, मैं आगे कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जीर्णधना नदी किमर्थम अगच्छत। जीर्णधन नदी में क्यों जाता है? किमर्थम अगच्छत, किस लिए गया। ठीक है, जीर्णधना नदी स्नानार्थम अगच्छत, जीर्णधन नदी में स्नान करने के लिए अगच्छत गया। ठीक है, स्नानार्थम नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। आपका फाइव क्वेश्चन है, जीर्णधना केन स नदी अगच्छत। तो जीर्णधन केन का अर्थ है बच्चों? किसके, स सा किसके साथ। ठीक है, जीर्णधन किसके साथ नदी है, तो आंसर है आपका जीर्णधन श्रेष्ठी पुत्रेण सह। जीर्णधन श्रेष्ठी कौन है? जो धनवान उसका मित्र था, उसके पुत्र के साथ पुत्रेण सह, जीर्णधन श्रेष्ठी पुत्रेण सह धनवान के पुत्र के साथ। ठीक है, अपने मित्र के पुत्र के साथ नदी अगच्छत नदी में गया। ठीक है, आपको समझ में आया? इसको आप सभी लोग लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर। फाइव आपका आता है सिक्स, जीर्णधनी किमर्थम बालकम गुहाया प्रक्षिप्त। जीर्णधन किसके बालक को गुफा में छिपाया, प्रक्षिप्त छिपाया। ओके, तो जीर्णधन स्वपुत्र प्राप्त हेतु, जीर्णधन अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए, हेतु के लिए बालकम बालक
ओके। अब आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, केन कथितम तम च कथितम, इसने कहा किससे कहा, ठीक है। अब मैंने हिंदी में लिख दिया है, इसने कहा किससे कहा। अब आपका प्रश्न आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर आपका दिया गया, पेज नंबर आपका है 60, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वो मित्र प्रयच महियां तां स्वर्ण तुलां, वो मित्र ए मित्र प्रयच प्रदान करो महियां मुझे तां स्वर्ण तुलां, उस सोने की तराजू को। तो किसने कहा था, जीर्णधनं कथितं, क्योंकि वह विदेश से जब वापस लौटा तो अपने मित्र से मांगता है तराजू, तो बोलता है वो मित्र ए मित्र प्रयक्ष महियां, प्रयक्ष में प्रदान करो महियां मुझे तां स्वर्ण तुलां, को सोने की तराजू को। तो जीर्णधनं कथितं, जीर्णधन ने कहा स्वामित्र स्वामित्र श्रेष्ठी च कथितं, अपने मित्र धनवान सृष्टि से धनवान व्यक्ति से कहा, ठीक है। अब आपका है सेकंड क्वेश्चन, पुत्र अयम तव पितृव्य, पुत्र बेटा है संबोधन चिन्ह, अयम यह तव पितृव्य, यह तुम्हारे चाचा, पितृव्य क्या किसको कहते हैं बेटा, चाचा को, ठीक है। स्नानार्थम गच्छति, स्नान करने के लिए जा रहे हैं या जाते हैं, लट लगा है आपका, चाहे आप इंडिफिनिट टेंस करो या कंटिन्यूअस, जाते हैं या जा रहे हैं। तत् गच्छ त्वम् अपि अनेन सार्धम्, तत् का अर्थ है तो, गच्छ लोट लगाकर आदेश दिया जा रहा है, गच्छ में जाओ, त्वम् अपि तुम भी अनेन सार्धम् इनके साथ। तो किसने कहा था, सृष्टि कथितम्, दूसरे का है सृष्टि कथितम्, सृष्टि ने कहा स्वपुत्रेण च कथितम्, अपने पुत्र से कहा, ठीक है। च लास्ट में लगाते हैं, जैसा कि मैं पहले बता देती हूँ कि च लास्ट में लगता है संस्कृत में, हिंदी में और दो शब्दों के बीच में आते हैं लेकिन संस्कृत में लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो सृष्टि जो था अपने पुत्र से कहता है कि यह तुम्हारे चाचा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी इनके साथ जाओ, सृष्टि कथितम स्वपुत्रेण च कथितम्, ठीक है बच्चों। अब आपका आता है थर्ड, बंधु पुत्र में पुत्र, जब जीर्णधन स्नान करके वापस लौटता है तो अपने बेटे को नहीं देखता है, अपने पुत्र को नहीं देखता है, तो वह घबराता है और पूछता है, बंधु हे बंधु पुत्र में पुत्र, मेरा बेटा कहाँ है, पुत्र मिस कहाँ है। तो किसने कहा, थर्ड है श्रेष्ठी जीर्णधने च अपरीक्षत, श्रेष्ठी ने जीर्णधन से पूछा, वृक्ष धातु है अपरीक्षत, ठीक है, अपरीक्षत पूछा। फोर है रे मिथ्यावादिनम, मिथ्यावादिनम मिथ्या कहते हैं झूठ को, वादिनम मिस बोलने वाले, ये झूठे ये झूठ बोलने वाले झूठे, किम शैनो क्वचित बालम हर्तुं समर्थ, प्रयक्ष मम पुत्रम अनिता अहम राजसभायाम निवेश्यामि, मेरे बेटे को प्रदान करो, दे दो वापस करो, नहीं तो मैं राज्यसभा में जाऊंगा, ठीक है, और वहां निवेदन करूंगा। तो किसने कहा था, फोर वाला है श्रेष्ठी जीर्णधने च अपथ्य, श्रेष्ठी ने जीर्णधन से कहा था, ठीक है, अपथ्य कहा था, पास्ट टेंस हो गया बच्चों। अब आपका आता है वो अत्याहितम अत्याहितम, घोर अपराध घोर अपराध, किसने कहा, श्रेष्ठी अपथ्य, श्रेष्ठी ने कहा, न्यायाधिकरणम च अपथ्य, न्यायाधीश से कहा और न्यायाधीश से कहा, ठीक है बच्चों। अब आपका आता है पेज नंबर 61, क्वेश्चन क्या है, पुस्तक में दिए शब्दों से चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब आपका आता है बच्चों तुला कस्य डैश डैश निश्चित देशांतरम अगच्छन, तुला तराजू को तस उसके। अब यहाँ पे आपको बनना है जो ब्रैकेट में दिया गया है गृहम और गृहे, ठीक है, तो इसमें से जो आपका सही शब्द है उसको भरना है, तुलाम तस गृहे, मैंने क्वेश्चन फोर का इसमें लिख दिया है, बोर्ड पर वन है गृहे घर में, ठीक है, निश्चित देशांतरम अगच्छन
डैश डैश सब कार के साथ स्टेशन भेज दो, तो क्या होगा माया, ठीक है माया सब मेरे साथ, माया बताएं लिख लीजिए आप सभी लोग। फिर आपका आता है थर्ड जीर्ण धना डैश डैश स्नात्वा तम बल एकस्य गुहाया रचित प्रत्यागच्छन जीर्ण धन, ठीक है नद्याम, नद्याम आपका सप्तमी विभक्ति हो गया जिसकी पहचान है मे और पर, ठीक है तो जीर्ण धना नद्याम स्नात्वा नदी में स्नान कर तरुण बालकम उस बालक को एकस्य एक गुहायाम प्रचित गुफा में छिपा कर प्रत्यागच्छन वापस आ गया। कैसे बना है बच्चों प्रति प्लस आगच्छन प्रत्यागच्छन मतलब वापस आ गया। ओके अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर फोर अनिल मम डैश डैश अप्रीता अनिल मम इसने दी मेरे अब यहाँ क्या होगा पुत्र पुत्र को फोर है पुत्र को अप्रीता चुराया है अप्रीत किया है चुराया है इसने ही मेरे पुत्र को चुराया है। अब आपका आता है बच्चों पश्यतु डैश डैश शेनेन अप्रीता श्रेष्ठी सुता तो फिर आप क्या करोगे फाइव में मां, ठीक है क्या भरना है फाइव में मां, ठीक है इस तरीके से आप इसको बुक में भर के कॉपी में सारा काम करेंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है बच्चों निम्नलिखित श्लोकानाम हिंदी भाषायाम अनुवाद क्रेता निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए यहाँ श्लोक नहीं होना चाहिए अर्थानाम हिंदी भाषायाम अर्थों का हिंदी में अनुवाद कीजिए क्योंकि श्लोक पोएम को कहते हैं कविता को कहते हैं और यहाँ पे अर्थ दिया है तो हमने पिछले वीडियो में आप सभी को अर्थ बता दिया था उसको आप पढ़ेंगे और करेंगे। ओके बच्चों